विकेट कीपिंग करा लो इनसे बैटिंग करा लो और फील्डिंग भी करा लो ये के राहुल है ये सब है ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि के राहुल कमाल का खिलाड़ी बेजोड़ खिलाड़ी दलेर खिलाड़ी के राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है लेकिन एज अ प्लेयर वो जिस तरीके से मैच को भुना रहे हैं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो इस खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है लगातार वर्ल्ड कप के बाद से चाहे वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आप के एल राहुल को खिला लीजिए चाहे आप उन्हें नंबर तीन पर ले आइए चाहे नंबर चार पर ले आइए और कभी कभी तो नंबर पांच पर भी ले आइए ये खिलाड़ी आएगा या तो अर्धशतक मारेगा या शतकीय पारी खेलेगा एक बेहतर पारी खेलेगा या तो मैच जिता के ही वापस लौटेंगे के राहुल शायद इसीलिए अभी फिलहाल आजकल विराट कोहली के बहुत ज्यादा ही हम अजीज हो गए हैं हम अजीज इसलिए भी क्योंकि ऋषभ पंत जहां टीम में विकेट कीपिंग करते थे धोनी के बाहर होने के बाद धोनी के बाहर जाने के बाद अब वो विकेट के पीछे पंत नहीं दिख रहे हैं वो केल दिख रहे हैं क्योंकि विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा गेम कहीं ना कहीं लगा दिया है उन्होंने समझ लिया है कि अगर मैं केल को विकेट कीपिंग कराता हूँ तो ये विकेट कीपिंग भी अच्छा कर रहा है ये बल्लेबाजी भी कर दे रहा है मेरे लिए नंबर तीन पर भी खेलता है नंबर चार पर भी खेलता है नंबर पांच पर भी खेलता है और कभी कभी तो सलामी बल्लेबाजी करा लो अगर शिखर इंजर्ड है तो क्यों कोई इस खिलाड़ी को खोए सहवाग ने कहा है शोयब अख्तर जो कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उन्होंने कहा है कि दलेर खिलाड़ी है क्यों नहीं हम उनको मौका दे रहे हैं क्या हमें उनको कंटिन्यू करना चाहिए बहुत सारे सवाल है के राहुल अभी अपने करियर के शानदार एक शिखर पर है और शिखर के जाने के बाद से ही वो शिखर पर है तो आप समझ गए होंगे मेरे बहन कहने का क्या मतलब है के राहुल जिस तरीके से चल रहे हैं के राहुल जिस फॉर्म में है जिस लय में है भय डर खौफ हट गया उनके मन से दूर हो गया है केएल तलेर खिलाड़ी जिस तरीके से अभी चल रहे हैं आपको मैं बता दूं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो मैचेस वो भी वो बेहतर खेले चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो वो बेहतर खेले अभी न्यूजीलैंड में जो हमने दो टी ऑलरेडी खेल लिया है ऑकलैंड के डेन पार्क में चौबीस और छब्बीस जनवरी को उसमें भी खेलने एक बेहतरीन भूमिका निभाई है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया के जो कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी चाहे वो कपिल देव हों चाहे गावस्कर हों सबने कहा है केल बेहतर खिलाड़ी है टीम इंडिया का और अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में केएल राहुल से बेहतर खिलाड़ी टीम इंडिया में कोई नहीं हो सकता है विराट के बाद क्योंकि विराट और रोहित के बाद क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने आप को हर एक फॉर्म में हर एक फॉर्मेट पे अपने आप को प्रूफ किया है चाहे वो टी हो चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टेस्ट हो इसने अपने आप को साबित किया है और चाहे वो नंबर गेम हो के राहुल का कहना है कि मुझे आप किसी नंबर पर खिला लीजिए उन्होंने जब उनसे एक मीडिया के रिपोर्टर ने पूछा कि आप किस नंबर पर खेलना चाहेंगे तो उन्होंने कहा मुझे टीम के लिए खेलना है मुझे किसी भी टीम आप आप मुझे किसी भी नंबर पर खिला लीजिए विराट पर डिपेंड करता है एज ए कैप्टन की वो मुझे किस नंबर पर खिलाते हैं अगर वो पांच पे कहेंगे मैं पांच पे जाऊंग वो तीन पे कहेंगे मैं तीन पे जाऊंगा वो सलामी कहेंगे तो मैं सलामी बल्लेबाजी कर लूंगा विकेट कीपर के, के तौर पर वो काम कर रहे हैं तो बेहतर जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि के राहुल से ही आगे कंटिन्यू विराट कोहली को विकेट कीपिंग करानी चाहिए कमेंट बॉक्स में लेकर बताइएगा क्योंकि केएल अभी अपने शिखर पर हैं और शिखर के बाहर जाने के बाद तो फिलहाल दीजिए इजाजत देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स E